हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। सो देखिए फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली 26 जनवरी 2020 को ऑन रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं पद्म अवार्ड्स। सो पद्म अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जिन जिन के लिए ये अनाउंस किया गया, तो आपको उनका नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे आप कोई भी दे दो जिसमें करंट अफेयर पार्ट रहेगा, तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि इस साल 2020 में पद्म विभूषण किसको दिया गया, पद्म श्री किसको दिया गया। तो ये सारी कैटेगरी अब हम बहुत अच्छे से क्लियर कट याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पद्म अवार्ड्स। सो देखिए, जो पद्म अवार्ड्स है वो तीन कैटेगरीज में दिए जाते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण, सेकंड पद्म भूषण एंड थर्ड पद्म श्री। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया जाता है वो है भारत रत्न, लेकिन उसके बाद तीन अवार्ड्स और आते हैं, तो उसको भी हमने याद रखना है कि जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो उसको हम बोलते हैं पद्म विभूषण, फिर थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण, ऐसे ही फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं पद्म श्री। तो इस साल जो ये तीनों कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं तो उनको हमने याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पद्म विभूषण, जो कि 7 लोगों को दिए गए हैं, तो वो 7 लोगों के नाम हम अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद जो पद्म भूषण है वो 16 लोगों को दिए गए हैं, और सिमिलरली पद्म श्री 118 लोगों को दिए गए हैं। तो देखिए, 118 लोग याद रखने बहुत मुश्किल है, सो पद्म विभूषण और पद्म भूषण को पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। फिर उसके बाद पद्म श्री में जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लोग हैं उन सभी को हम अच्छे से याद रख लेंगे। सच डैट इस पोर्शन को, इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर पाए, हमसे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि पद्म विभूषण से ऊपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो देखिए, पद्म अवार्ड्स, सो दीज अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री, आर कन्फर्ड इन 3 कैटेगरीज, नेमली पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्म श्री। तो देखिए, ये जो अवार्ड है पद्म अवार्ड्स, ये पर्टिकुलरली कैटेगरीज में दिए जाते हैं, तो वो कैटेगरीज हम रीड कर लेते हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं, ये आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, तो इन कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इनमें भी देखिए, जो आर्ट्स है वो बहुत बड़ी ब्रांच है। आर्ट्स में म्यूजिक भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, स्कल्पचरिंग हो सकता है, तो आर्ट भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है। सिमिलरली सोशल वर्क, सोशल वर्क में बहुत सारी आगे कैटेगरीज निकलेगी। वो जो सोशल वर्क किया गया वो कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिलेटेड है, कहीं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के रिलेटेड है, वुमेन प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो ऐसे सोशल वर्क भी बहुत बड़ी कैटेगरी है। सिमिलरली पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं स्पेशली सिविल सर्वेंट्स, IAS, PCS, तो इनकी ये जो कैटेगरीज है तो वो कैटेगरी बहुत ही बड़ी कैटेगरी है। तो इनमें से जो अपनी तो एक साल में जो इन कैटेगरीज में से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये उनकी काम करने के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने अच्छे लेवल पे ये काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये हर साल दिए जाते हैं, और ये 26 जनवरी को ये अनाउंस किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट राष्ट्रपति भवन। तो इसको अब हम पढ़ेंगे कि इस साल ये अवार्ड कितनों को दिए गए, और उसमें भी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, इस साल ये जो अवार्ड दिए गए हैं वो 7 पद्म विभूषण है, 16 पद्म भूषण है, फिर उसके बाद 118 पद्म श्री अवार्ड्स है, फिर लेटर ऑन उसमें भी अगर हम ध्यान से देखें 33 अवार्ड्स वुमेन को दिए गए हैं, टोटल 141 में से 33 अवार्ड्स वुमेन को दिए गए हैं। उसके बाद 18 अवार्ड्स फॉरनर्स को दिए गए हैं, जो NRE हो सकते हैं, PIO हो सकते हैं, OCI हो सकते हैं, तो मतलब मैं एक कैटेगरी फॉरनर्स बोल देता हूँ, तो फॉरनर्स को 18 अवार्ड्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद 12 अवार्ड्स पॉस्थमस में दिए गए हैं, पॉस्थमस मीन्स जिनको जिनकी डेथ हो चुकी है, मरण उपरांत उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो इन कैटेगरीज को अब हमने पढ़ लिया, तो इनको अब हम पर्टिकुलरली एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पद्म विभूषण अवार्ड्स, तो पद्म विभूषण में सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर, आपको जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में पता लगेगा। तो जॉर्ज फर्नांडिस, इनको पद्म विभूषण मिला है, और इनको मरण उपरांत पद्म विभूषण मिला है। तो पोस्टमस में फर्स्ट आ गए हैं जॉर्ज फर्नांडिस।
तो जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में हम देखते हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं, ये बिहार से राज्यसभा मेंबर और ये लोकसभा मेंबर भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये जनता दल पार्टी के भी मेंबर रहे थे, जो कि लेटर ऑन इनकी खुद की बनाई पार्टी समता पार्टी में मर्ज हो जाती है और फाइनली ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनकर निकलती है, जिसके आज प्रेजिडेंट कौन है, नीतीश कुमार बिहार में। तो हम जानते हैं कि ये JDU पार्टी बहुत ही फेमस है बिहार वाली साइड में। फिर और इसके बाद ये इनकी जो ये जो मिनिस्टर थे, इनके पास जो मिनिस्ट्रीज थी वो थी कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, रेलवे, डिफेंस। तो बहुत ही बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में इन्होंने काम किया, तो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में ये रहे हैं। तो ये थे हमारे पहले पद्म विभूषण अवॉर्डी जॉर्ज फर्नांडिस। सेकेंड देखिए, सेकेंड है अरुण जेटली। तो अरुण जेटली को भी पब्लिक अफेयर्स में इनको अवार्ड मिला है और इनको भी मरण उपरांत ही ये अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण। और इनमें देखिए खासियत क्या क्या रही, जैसे ये भी एक पॉलिटिशियन थे, मिनिस्टर्स थे और उससे पहले ये अटॉर्नी भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद इनके पास भी बहुत सारे पोर्टफोलियो रहे मिनिस्ट्री के, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस, जो कि इन्होंने वाजपेयी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंडर ये काम किए हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट इन्होंने ये संभाले हैं। उसके अलावा इन्होंने GST, डिमोनेटाइजेशन और रेलवे का जो बजट है उसको जनरल बजट में मर्ज किया, तो ये सारे काम भी इन्होंने किए हैं। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल, IBC बिल 2016, तो ये भी इनके समय में ही आया। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड 2016 भी यही लेकर आए थे। तो बहुत ही महान शख्सियत अरुण जेटली, तो इनको भी पद्म विभूषण मिला है। तो थर्ड अवॉर्डी देखिए, श्री अनुरोध जगुनाथ। सो श्री अनुरोध जगुनाथ को भी पब्लिक अफेयर्स में ये अवार्ड मिला है, जो कि मॉरिशियस के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इनका नाम भी आपने याद रखना है, श्री अनुरोध जगुनाथ। तो उसके बाद देखिए फोर्थ, मैरीकॉम। तो मैरीकॉम को हम सभी जानते हैं, बहुत ही महान प्लेयर हैं। तो मैरीकॉम को स्पोर्ट्स कैटेगरी में अवार्ड मिला है पद्म विभूषण। तो मैरीकॉम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, जैसे इनको एक निकनेम मिला हुआ है, जैसे मैग्निफिशिएंट मैरी। तो मैग्निफिशिएंट मैरी नाम मैरीकॉम को दिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, ये 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीत चुकी हैं और 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। तो बहुत ही महान बॉक्सर है मैरी कॉम। तो ये इनके साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं, राज्यसभा की मेंबर हैं। और 2014 में जो साउथ कोरिया में एशियन गेम्स हुए हैं, उसमें भी गोल्ड मेडल लेने वाली पहली इंडियन वुमेन है बॉक्सिंग में। और नेक्स्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है बॉक्सिंग में। तो ये भी पहली वुमेन बनी है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लिया है बॉक्सिंग में। तो देखिए, इतने सारे मेडल्स, इतनी सारी अचीवमेंट्स मैरीकॉम, और मैरीकॉम को आप सभी जानते हैं, बहुत ही महान प्लेयर है इंडिया की बॉक्सिंग में। तो नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ अवॉर्डी कौन है, चन्नूलाल मिश्रा। आर्ट्स कैटेगरी में है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है बनारस से। तो बहुत ही महान शख्सियत है ये भी, तो आपने ये नाम याद रखना है, चन्नूलाल मिश्रा। नेक्स्ट देखिए सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज को भी पब्लिक अफेयर्स में अवार्ड मिला है, ये भी बहुत महान इंडियन पॉलिटिशियन, बहुत ही इनकी अचीवमेंट्स रही हैं। जैसे ये हरियाणा की यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, जिनको 25 ईयर्स में ही कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल गई थी। ये 3 बार MLA रही हैं और 7 बार MP भी बनी है, और साथ में दिल्ली के 5th CM भी ये बनी है सुषमा स्वराज। इनके पास बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी, जो कि इंडिया की सेकेंड लेडी थी आफ्टर इंदिरा गांधी, जिनके पास एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट भी था। एंड सेवंथ अवॉर्डी देखिए, श्री विश्व तीर्था स्वामी जी, श्री पेजावरा मथ उडप्पी। तो देखिए, इनको भी अवार्ड मिला है, ये स्पिरिचुअल कर्नाटका, स्पिरिचुअलिज्म में इनको अवार्ड दिया गया, तो आपने इनका नाम भी याद रखना है। तो देखिए, ये जो 7 अवॉर्डीज हैं, इनको एक बार हम नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सभी को इकट्ठे पढ़ते हैं। तो ये 7 अवॉर्डीज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए जॉर्ज फर्नांडिस, सेकेंड अरुण जेटली, थर्ड अनुरोध जगन्नाथ, फोर्थ मैरीकॉम, फिफ्थ चन्नूलाल मिश्रा, सिक्स्थ सुषमा स्वराज, एंड सेवंथ श्री विश्व तीर्था स्वामी जी, श्री पजेवरा मठ उडप्पी। तो देखिए, ये 7 लोगों को ये अवार्ड मिला है। अब देखिए, इन 7 को याद रखना है, तो 7 को याद रखने का एक ट्रिक भी है, तो आपने इन 7 लोगों के नाम याद रखने। तो 7 लोगों को याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है हमने। तो जैसे हम जानते हैं कि जैकलिन फर्नांडिस, तो आप लोगों ने जैकलिन फर्नांडिस का नाम सुना होगा, एक्ट्रेस है, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, तो उसमें आपने फर्नांडिस लिया। तो देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस है, फर्नांडिस याद हो गया। सेकंड, फर्नांडिस एंड अरुण, तो एक व्यक्ति है अरुण और फर्नांडिस, तो फर्नांडिस एंड अरुण ने मैरिज करानी है। तो फर्नांडिस एंड अरुण मैरिज कराने के लिए जगुनाथ टेम्पल गए, वहां पर मैरिज करानी है, तो वहां से मैरी आ गया।
तो मैरी कॉम मैरी, सो फर्नांडिस एंड अरुण ने मैरी करानी है, मैरिज करानी है, तो फर्नांडिस अरुण मैरी, तो वो कहाँ गए, जगन्नाथ टेम्पल, तो जगन्नाथ टेम्पल में लाल चुन्नी लिए, तो देखिए अगले कौन है, चुन्नी लाल, लाल चुन्नी लिए कौन खड़ी थी, सुषमा, तो लाल चुन्नी लिए खड़ी थी सुषमा, और वहां पर स्वामी जी भी साथ में खड़े थे पजेवरा, तो स्वामी पजेवरा के साथ लाल चुन्नी लिए सुषमा खड़ी थी वहां पर फर्नांडिस एंड अरुण जी ने मैरिज कराने के लिए आना है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं ये ट्रिक को, तो फर्नांडिस एंड अरुण ने मैरी कराने के लिए कहाँ गए, जगन्नाथ, तो वहां पर लाल चुन्नी लिए सुषमा खड़े थे किनके पास, स्वामी जी के पास। तो ऐसे हमने 7 पद्म विभूषण अवार्डी याद कर लिए, सो फर्नांडिस जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण से अरुण जेटली, मैरी करा रहे हैं मैरी कॉम, फिर उसके बाद कहाँ गए, अनिरोध जगन्नाथ, फिर जगन्नाथ में गए वहां पर लाल चुन्नी लिए चुन्नी लाल, कौन खड़े थे, सुषमा, सुषमा स्वराज, फिर लास्ट में स्वामी जी के साथ कौन खड़े हैं, सुषमा स्वराज और स्वामी जी है साथ में, स्वामी जी पजेवरा। तो ऐसे हमने सातों के सातों पद्म विभूषण अवार्डी याद कर लिए बहुत ही इजीली, आपको भी ये बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे पद्म विभूषण अवार्डीज। नेक्स्ट देखिए पद्म भूषण, तो पद्म भूषण में हम मेनली दो याद रखेंगे, तो जैसे बहुत ही फेमस प्लेयर है इंडिया की पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है पद्म भूषण, तो आपने याद रखना है पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है और पद्म भूषण 16 लोगों को मिला है, आउट ऑफ 16 हमने दो याद रखने हैं, पीवी सिंधु और दूसरे मनोहर पारिकर। सो पीवी सिंधु बैडमिंटन के बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, तो जिनको 2016 ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला है, और सेकेंडली जो मनोहर पारिकर है ये भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे, गोवा के सीएम भी रहे हैं और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं मनोहर पारिकर। तो नेक्स्ट देखिए ऐसे ही पद्म श्री अवार्डीज को हम पढ़ते हैं, तो पद्म श्री अवार्डीज मैं आपको 6 अवार्डीज के नाम याद करवाऊंगा, तो वो पद्म श्री अवार्डीज कौन कौन से हैं, जैसे पहले अदनान सामी जो कि आर्ट कैटेगरी में है, सेकेंड कंगना रनौत, तो ये भी एक्ट्रेस है बहुत फेमस, तो ये भी आर्ट कैटेगरी में है, थर्ड रानी रामपाल, तो ये आप लोगों को बहुत ही फेमस प्लेयर हॉकी की पता होगी रानी रामपाल जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में है, फोर्थ जीतू राय, तो जीतू राय भी बहुत फेमस प्लेयर है जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में है, नेक्स्ट एकता कपूर, ये भी बहुत फेमस सीरियल बनाते हैं एकता कपूर, तो ये भी आर्ट कैटेगरी में है, नेक्स्ट करण जौहर जो कि आर्ट कैटेगरी में है, एंड लास्ट देखिए जहीर खान, तो आप बहुत ही फेमस प्लेयर हैं इंडिया के, बहुत ही अच्छे बॉलर रहे हैं, लेफ्ट हैंड बॉलर हैं जहीर खान, तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में। तो हमने पद्म विभूषण 7 मिले हैं तो सातों के सातों याद कर लिए, पद्म भूषण 16 मिले हैं उसमें से मैंने आपको 2 याद करवाए हैं, फिर ऐसे ही पद्म श्री 118 याद रखने बहुत मुश्किल है, सो आउट ऑफ 118 मैंने आपको 7 याद करवा दिए। तो ये थे हमारे इस साल 2020 के पद्म अवार्ड्स जिसमें हमने 7 पद्म विभूषण और 16 पद्म भूषण एंड 118 पद्म श्री, ये नंबर्स याद रखने, इतने अवार्ड्स मिले हैं और टोटल 141 अवार्ड्स दिए गए हैं जो कि 26 जनवरी 2020 में अनाउंस किए गए हैं। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल पनेशिया ट्यूटर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, थैंक यू।